भाई साहब घंटों तक पढ़ाई हमसे तो नहीं होती है। अरे होगी, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो ऐसे टिप बताऊंगा जिससे आप रेगुलरली घंटों तक पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी पूरे फोकस के साथ। टिप नंबर 1, सेट योर टाइमर। आप जब भी पढ़ाई करने बैठे ना तो अपना एक टाइम सेट कर लीजिए। जैसे आपने अलार्म लगा ली कि 30 मिनट तक मैं पढ़ाई करने बैठूंगा, उसके बाद मैं जो मेरा मन होगा वो काम करूंगा। आपको चाहे BGMI खेलना, पबजी खेलना अच्छा लगता है तो वो करना, आपको मूवी सीरीज देखना है तो वो करना 30 मिनट के बाद। ऑल ओवर आपको अपने माइंड के साथ ही गेम खेलना है। देखिए इसका रीजन क्या है, माइंड को वही चीजें पसंद आती है जिसको करने में उसे मजा आता है, तो उस चीजों को करने के लिए माइंड ज्यादा एक्टिवेट होता है, ज्यादा काम करता है। देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, वो ये कहती है कि आप अगर अपने माइंड को कोई भी लालच दोगे ना तो वो आपका माइंड ज्यादा काम करेगा। और यार 30 मिनट बाद तो मेरे को गेम खेलना है, सारे फ्रेंड्स आ गए, चलो यार ठीक है 30 मिनट जल्दी से मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, तो आपका माइंडसेट क्या हो जाएगा, यार 30 मिनट पढ़ने के बाद तो मैं गेम खेलूंगा, मेरी सीरीज का सेकंड एपिसोड देखूंगा, मैं बाहर दोस्तों में जाऊंगा। आपका माइंडसेट हो जाएगा कि 30 मिनट है, चलो ये एक चैप्टर में कर लेता हूँ, फिर 30 मिनट बाद तो मुझे मजे करने हैं तो ये चैप्टर में क्लियर कर लेता हूँ। और वो 30 मिनट कब 40, 40 से 50, 50 से 60 और 1.5 घंटे 2 घंटे लगातार भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस चीज से आपको रेगुलर मन लगेगा पढ़ाई में। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है, वो 30 मिनट आप ऐसे पढ़ोगे ना जो आपने कभी 2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ाई की हो ना, उससे भी ज्यादा होगा, पूरा माइंड वहीं कॉन्सेंट्रेट होगा। तो ये टिप ट्राई जरूर कीजिएगा। आइए टिप नंबर 2 पे आते हैं। टिप नंबर 2 है जो आपको करने में बहुत मजा आएगा, सेट योर रिवर्ड। आपको अपने आप को रिवर्ड देना है। आप बचपन का वो टाइम याद कीजिए जब मम्मी या पापा हमें बोलते थे बेटा पांचवी में अगर तू 60% से ऊपर लाए ना तेरे को तेरी पहली साइकिल मिलेगी, तो हम पढ़ाई की तरफ पूरे लग जाते थे। 8th क्लास की याद कर लो, बेटा तुझे क्या चाहिए, गेमिंग कंसोल चाहिए, ओके तो तुझे 70% से एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा तो मिल जाएगा। भाई साहब तब तो हम पूरे लग पड़ते थे उसमें कि यार नए नए कैसेट्स लाऊंगा, गेम खेलूंगा मैं, अगर मैं पास हो गया तो मम्मी ने बोला ड्रेस दिलाएगी मेरे को, अगर मैं पास हो गया तो मम्मी ने बोली मेरे को साइकिल दिलाएगी। भाई यार हम तो बड़े हो गए हैं, अब कौन से साइकिल के दिन, अब क्या मिलेगा हमें। तो मैं आपको बताऊं, आप खुद अपने आप को रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड क्या दोगे कि जो आपको चीज पसंद हो ना आप वो खाइए, वो चीज करिए, वो भी पढ़ाई करने के बाद। आपके माइंड को उस काम को, उस पढ़ाई को, उस चैप्टर को कंप्लीट करने में मजा आएगा, वो लालच से करेगा क्या, और मैंने ये काम कर दिया तो मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, तो पूरा माइंड वही फोकस हो जाएगा, पूरा वही कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो ऑल ओवर आपको खुद को रिवॉर्ड देना है। आप दिमाग में सेट कर लीजिए, अगर मैंने ये 2 चैप्टर कर लिए तो इसके बाद भाई साहब मैं बाहर जाऊंगा, थोड़ा सा दोस्त के साथ घूमूंगा, एंजॉय करूंगा, अगर मैंने किए तो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि आपके माइंड को वो काम करने में खुशी होती है ना, तो आपका माइंड पूरी ताकत लगा देगा, कंसंट्रेट वहीं रहेगा, इस काम को तो भाई करना ही है, तो ये बाहर निकलेगा, नहीं तो ये जाएगा ही नहीं। तो आप अपने माइंड को डेली हर दिन खुद ही रिवर्ड देने लग जाइए, इससे आपका डेफिनेटली पढ़ाई में मन लगेगा। आपको थोड़े बोनस ट्रिक जानने हो तो मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आपको एक्स्ट्रा टिप देखनी है तो आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो पे क्लिक करते ही सीधे उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब।